स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को एसएसटी सिविक्स का सेकेंड लेसन पढ़ा रहा हूं। इस लेसन में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये सब पढ़ाया था कि जो डेमोक्रेसी है वो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में किस तरह का डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में बताया था कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बहुत कई तरह के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया, जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सिंगल पार्टी पॉलिटिकल डोमिनेशन, है ना, थेरोसाइसिस, है ना, ऑथोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। इस तरह के मैंने आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे रूप के बारे में बताया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि रीजन फॉर पॉपुलरिटी ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जब से जो है सो 19वीं 20वीं सदी में जब क्या हुआ कि ज्यादा जो है ये हम लोग ये डेमोक्रेसी बहुत कम देशों में देखने को मिलता था, लेकिन आखिर क्या वजह रही, क्या उसमें पॉपुलरिटी था, क्यों जो है धीरे धीरे वो पूरे दुनिया के मुल्कों में, पूरे दुनिया के देशों में पॉपुलर हो गया, आखिर इसका क्या रीजन था। कहता है इन 1974 देयर आर 30 कंट्रीज फॉलोइंग द डेमोक्रेसी। 1974 में सिर्फ 30 कंट्री ऐसे थे, पूरे दुनिया में सिर्फ 30 कंट्री ऐसे थे जिसमें डेमोक्रेसी था, लेकिन अभी के समय में 117 कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चल रहा है। 117 ऐसे देश है जहां पर डेमोक्रेसी पूरी तरह कामयाब हो चुका है। तो आखिर क्यों, क्या रीजन है कि मात्र जो है 50 साल में डेमोक्रेसी 30 देश से बढ़कर 117 देशों में फैल गया। पॉपुलरिटी ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी एट्रिब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर। बहुत ऐसे फैक्टर है, बहुत ऐसे तथ्य है जिसके वजह से डेमोक्रेसी पॉपुलर हो गया। जैसे नंबर एक, इट गिव्स पीपल द फंडामेंटल राइट टू द वुमन गिव द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत लोगों को ये फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह खुद जो है सो वोट डाल के और बिल्कुल फ्री होकर, किसी के दबाव में नहीं आकर, किसी के कहने पे नहीं, बिल्कुल फ्री होकर वह अपना इलेक्शन में जो है सो अपना वोट देकर और अपना प्रतिनिधि अपना सरकार को चुन सकता है। यह फीचर्स किसका है, डेमोक्रेसी का। ऐसा अधिकार किस में है, डेमोक्रेसी में है। नंबर टू, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल द पीपल। अगर किसी तरह की बात हो जाए, किसी तरह की कोई चीज हो जाए, इसका जिम्मेदार अगर पीपल को, लोग को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट होता है, इसका जिम्मेदार सरकार होती है। द गवर्नमेंट कैन रूल ओनली ऑन अ फिक्स्ड टेन्योर। और सबसे बड़ी इसकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इसका फीचर यह है कि इसमें गवर्नमेंट एक फिक्स टाइम पीरियड में काम करता है, 5 साल के लिए चुनता है, 5 साल काम करेगा। अब अगला 5 साल में वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोई सरकार बन गया तो वह हमेशा के लिए सरकार बन रहा है, नहीं, वैसा नहीं है। यह सिर्फ 5 सालों के लिए चुना जाता है, एक इसका जो टेन्योर है, इसका जो टाइम पीरियड है वह फिक्स होता है। यह भी एक डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जो है सो गुण और बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। डेमोक्रेसी इज सीन अ मींस ऑफ अचीव सिक्योरिटी स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी के अंतर्गत जिस देश में डेमोक्रेसी है, उस देश में जो आम जनता है, उसकी सुरक्षा, उसकी स्थिरता, उसकी समृद्धता, इन सब चीजों की जिम्मेदारी, इन सब चीजों को देखरेख करना सरकार का काम होता है। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम एफोर्डेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर किसी कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पे लोगों को ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार है, यह दिया जाता है। रिलीजियस फ्रीडम एफोर्ड, है ना, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। यह सब किसकी गुण है, तो यह सब जो है सो आपको डेमोक्रेसी की खासियत और उसकी फीचर्स होती है। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, इसका नाम है आंग सान सू की, है ना, वह जो है म्यांमार की बहुत बड़ी लीडर है। 1988 में वह क्या हुआ, विदेश से लॉ का पढ़ाई करके वापस लौटा, है ना। उस समय क्या था, म्यांमार में यू नी विन, है ना, ने अपना शासन जमा रखा था। उन्होंने क्या किया, अहिंसा के तौर पर वहां पे क्या किया, डेमोक्रेसी की मांग रख दी और अपने मानव अधिकार का मांग रखने कर दिया और बिल्कुल शांतिपूर्वक उन्होंने क्या किया जो है सो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां के जो शासन थे, शासक थे, जो वहां के इंपीरियर थे, रूलर थे, यून, है ना, यू नी विन, उन्होंने क्या किया, उसे अरेस्ट करा दिया। 20 जुलाई 1989 को अरेस्ट करा के और 21 साल के लिए उसे जेल भेज दिया। 21 साल के लिए उसे क्या कर दिया, जेल भेज दिया, है ना, एंड इन द कस्टडी
केस कस्टडी इन 1992 ही वन द और कस्टडी के अंदर ही रहने के बावजूद भी उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। और जब 13 नवंबर 2010 को वह वापस आया तो फिर बर्मा के लोगों ने उसका स्वागत किया और उसके साथ मिलकर क्या क्या हुआ, डेमोक्रेटिक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। लेकिन म्यांमार में जो है सो कभी डेमोक्रेटिक की स्थापना होती है तो कभी या फिर क्या होती है, वापस जो है सो डिक्टेटरशिप में चला जाता है। तो ये था आंग सान सू की के बारे में कुछ थोड़ा सा झलक। अब हम बात करते हैं हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है इसकी क्या क्या फीचर्स है, इसकी क्या क्या गुण है, क्या क्या उपलब्धि है। तो चलिए नंबर एक, फॉर्मल इक्वलिटी। हमारा इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, हमारे इंडिया में सबको इक्वल रखा गया, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी भी रंग रूप का आदमी, सबको इक्वल माना गया है। जवाहरलाल नेहरू राइटली सेड द यूनिटी डाइवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश भारत को कहा कि हमारा देश जो है वह विविधता में एकता है, यहाँ विभिन्न धर्म जाति रंग रूप भाषा बोली के लोग रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या है, एक यूनिटी है, इन सब के बीच क्या है, एक जो है समानता एकता पाया जाता है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन रीजनल लैंग्वेज अदर। हमारा देश जो है बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें अलग अलग भाषा अलग अलग धर्म अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यह बहुत बड़ा क्या है, इक्वली हमारे देश में देखा जाता है। देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वलिटी। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में एकता समानता नहीं रहे तो जो है सो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। सो इक्वल राइट्स आर फॉर्मली गिवन टू ऑल। इसीलिए जिस धर्म में डेमोक्रेसी सॉरी जिस देश में डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी है, जो देश लोकतंत्र है, वहां सभी आदमी को क्या चाहिए, सभी आदमी को इक्वल अधिकार देना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। हमारे जो देश का संविधान है उस देश में क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ है ना, हमारे देश में जो है ना कानून बना, वह जो है कानून प्रचलित हुआ। इस कानून में यह कहा गया कि कोई भी आदमी हो सभी के साथ इक्वल, सभी के साथ इररिस्पेक्टिव है ना, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा, सभी को एक जैसा इज्जत मिलेगा है ना, किसी को है ना वंश इकोनॉमी, किसी को उसके जो है सो इकोनॉमी के आधार पर, कोई अमीर है तो ज्यादा जो है सो इज्जत मिला, गरीब है तो ज्यादा इज्जत नहीं मिला, वैसा नहीं है। किसी भी सामाजिक या किसी भी पॉलिटिकल है ना स्टेटस कास्ट रिलीजन जेंडर इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए, इन सब चीजों को बिना देखे हुए सभी को इक्वल अधिकार इक्वल समानता इक्वल इज्जत देना, हमारे देश में ऐसा कानून बनाया गया। इक्वलिटी इज द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वलिटी जो है वह हमारे डेमोक्रेसी का की फीचर माना जाता है ना, हमारे इक्वलिटी जो है बहुत बड़ी फीचर है हमारे डेमोक्रेटिक का। इट्स इन्फ्लुएंस ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इन्हीं चीज से इन्हीं इक्वालिटी से और भी बहुत सारा चीज है जो इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित होता है, ठीक है। नंबर टू, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, इन इंडिया वी फॉलो यूनिवर्सल ऑर्डर। हमारे इंडिया में हमारे भारत में क्या है, सभी व्यक्ति लोगों को यूनिवर्सल ऑर्डर चाहिए। जितने भी लड़का हो या लड़की जिसकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक है उन्हें वोट देने का अधिकार है ना, बिना उसके कास्ट रेस रिलीजन धर्म आदि को देखे हुए, बिना उसका है ना कास्ट है ना रेस रिलीजन रीजन लैंग्वेज कलर नीचा बिना देखे हुए जो है ना, हम बिना देखे हुए उसको वोट देने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आप बड़े जाति के हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, छोटे जाति के हैं तो वोट देने का अधिकार नहीं है, आप मुस्लिम हैं तो नहीं दे सकते, हिंदू हैं तो देश नहीं दे सकते हैं, ऐसा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है ना। पीपल इंजॉय द राइट टू इलेक्ट एंड रिमूव द रूरल। पीपल जो है वह इंजॉय करता है क्या करके, वहां पे जो है सो इलेक्शन में वोटिंग करके, और चाहे तो वोट देकर सरकार बना भी सकता है और चाहे तो सरकार को गिरा भी सकता है। हेयर द अनलिमिटेड पावर लाइज विद द पीपल। यहाँ क्या होता है, अल्टीमेट पावर, एक बार पावर जनता के, एक बार जो पावर है वह जनता के हाथ में आता है कि वह जो है ना चुनकर सरकार बनाता है, और फिर पावर जब जब हम लोग सरकार चुनकर उसे जो है सो सरकार बना देते हैं, गद्दी पे पद पे बैठा देते हैं, तो वह पावर फिर कहाँ चला जाता है, उस सरकार के पास चला जाता है। फिर 5 साल पूरा होने के बाद हम लोग को जो है सो सरकार चुनने का अवसर मिलता है जिसमें पावर जनता के हाथ में आ जाता है। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हम आपको से इंडियन डेमोक्रेसी का और भी फीचर्स के बारे में बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।